हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं अर्जुन को युद्ध करने की अनुमति दूं, इससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम किस राजा के पुत्र हो अथवा किस देश के राजा हो। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह एक वीर पुरुष का अपमान है, उसके साथ अन्याय है। यदि अर्जुन से युद्ध करने के लिए इसका राजा होना आवश्यक है तो मैं अपने अंग देश का राज्य इसे प्रदान करता हूं। दुर्योधन, लोग तो गीदड़ या भेड़िए पर शेर की खाल डालते हैं और तुम तो कुत्ते पर शेर की खाल उड़ाने की चेष्टा कर रहे हो। अरे असुत पुत्र, जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि के समीप रखे हुए प्रसाद को कुत्ता पा नहीं सकता, उसी प्रकार तू भी किसी राज्य का उपभोग करने का अधिकारी भी नहीं है। राजकुमार अर्जुन की जय। 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 राजकुमार अर्जुन की। तब मैंने रंगशाला में प्रवेश करके अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा था, अर्जुन इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि पाने से पहले तुम्हें मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना होगा, यहीं इसी रंगशाला में सारी जनता के सामने हम युद्ध करेंगे और इस द्वंद्व युद्ध के पश्चात यह निर्णय किया जा सकेगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। द्रोण का शिष्य अर्जुन या भगवान परशुराम का शिष्य कर्ण। कौन हो तुम? मैंने अपना परिचय दे दिया है अर्जुन, एक वीर और कलाकार का इतना ही परिचय होता है कि वो किस गुरु का शिष्य है। वाह, इसे कहते हैं शूरवीर। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो भांजे। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। स्वयं अपने आप को वीर कहने वाले कर्ण, अपना धनुष उठाओ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। आज्ञा दीजिए गुरुदेव और आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कीर्तिमान गुरु के यश को और बढ़ा सकूं। तनिक ठहरो वत्स, अभी तो यह निर्णय भी नहीं हुआ कि तुम्हें ललकारने वाला युवक तुमसे युद्ध करने का अधिकार रखता भी है या नहीं। धनुधारी युवक, तुमने जो अपना परिचय दिया है वो आज की स्थिति में पर्याप्त नहीं है। क्योंकि केवल गुरु का नाम लेने से ही तुम्हें राज्यसभा में किसी राजपुत्र के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं मिल सकता। यह विशेष सभा राजपुत्रों के अस्त्र कौशल प्रदर्शन करने के लिए बुलाई गई है। सो हे युवक, मैं अर्जुन को युद्ध करने की अनुमति दूं, इससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम किस राजा के पुत्र हो अथवा किस देश के राजा हो। क्षमा करें गुरुदेव, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह एक वीर पुरुष का अपमान है, उसके साथ अन्याय है। फिर भी यदि अर्जुन से युद्ध करने के लिए इसका राजा होना आवश्यक है तो मैं अपने अंग देश का राज्य इसे प्रदान करता हूं। इसी समय
इसी सभा में इसका राज्य अभिषेक करता हूं। वो क्षण मैं अभी तक नहीं भूला मित्र, जब तुमने भरी सभा में सोने का सिंहासन बनाकर मुझे उस पर बिठा दिया था। छोड़ दो इन्हें। बाबा बाबा आप यहां कहां गए? मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं पूछता हूं ये तुम्हारे मस्तक में क्या पागलपन समाया है? चल मेरे साथ उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांग। चल आदिरथ, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानते नहीं कर्ण हमारा मित्र है। अभी अभी हमने उसे अंग देश का राजा बनाया है। नहीं राजकुमार, नहीं, मेरे बालक पर दया कीजिए। राजकुमार नहीं, मेरे बालक पर दया कीजिए। दुर्योधन, लोग तो गीदड़ या भेड़िए पर शेर की खाल डालते हैं और तुम तो कुत्ते पर शेर की खाल उड़ाने की चेष्टा कर रहे हो। अरे असुत पुत्र, जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि के समीप रखे हुए प्रसाद को कुत्ता पा नहीं सकता, उसी प्रकार तू भी किसी राज्य का उपभोग करने का अधिकारी भी नहीं है। अरे तू तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं है। अच्छा हुआ तेरे पिता ने आकर तुझे बचा लिया। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला, जो तेरे कुल का पेशा है। विखोदर भीम, क्षत्रिय होकर इस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर ऐसी हल्की बात मत करो। बड़े क्षत्रियों का तो धर्म होता है कि जो बलवान है, जो शूरवीर है, उनका आदर करें। क्षत्रियों में शूरवीरों की जनजाति कभी नहीं पूछी जाती, क्योंकि प्रायः उसमें कहीं कोई रहस्य अवश्य छुपा होता है। भीम, सरकंडों से कृपाचार्य जैसे ऋषि मुनि पैदा नहीं होते, न द्रोण जैसे धनुर्धर किसी घड़े से पैदा होते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि जैसे हिरनी के गर्भ से एक शेर कभी पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार ऐसा महातेजस्वी और वीर बालक किसी सूत स्त्री के गर्भ से कभी नहीं पैदा हो सकता। वाह, जिसे बोलना चाहिए उसकी तो जिह्वा बंद है और तुम तो उसके जन्म को बड़ा रहस्यपूर्ण बनाने की चेष्टा कर रहे हो। अरे जरा अपने मित्र से तो पूछो कि वो अधिरथ का पुत्र है या किसी और का। मैं किसी और का पुत्र नहीं हूं राजकुमार भीम, मैं इन्हीं का पुत्र हूं, इन्हीं का एक सारथी का। मेरे पिता का नाम है अधिरथ और माता का नाम राधा, इसीलिए मेरे मित्र मुझे राधेय कहकर भी बुलाते हैं और मुझे इन दोनों का पुत्र होने पर गर्व है, गर्व। ऐसे माता पिता किसी भाग्यशाली को ही संसार में मिलते हैं।